नमस्कार, मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन पहली बार सक्रिय किया गया था कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन। कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन को 19 जनवरी 1986 को सक्रिय किया गया था। इन दी वर्ल्ड का पहला पीसी वायरस एक बूट क्षेत्र का वायरस था जो सी ब्रेन कहलाता था। इस वायरस को फारूक अलवी ब्रदर्स ने बनाया था। उन्होंने इस वायरस को सॉफ्टवेयर की चोरी रोकने के लिए बनाया था। जब कोई अवैध तरीके से इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता था तो एक चेतावनी दिखाई देती थी। यह वायरस कंप्यूटर के बूट सेक्टर को प्रभावित करता था और कंप्यूटर को स्लो कर देता था। इंदिरा गांधी आज के दिन पहली बार बनी थी प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी ने 19 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना था। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में मृत्यु तक प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला। इंदिरा गांधी देश की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। दृढ़ निश्चय इंदिरा गांधी को कुछ कठोर और विवादास्पद फैसलों के लिए भी याद किया जाता है। आपातकाल के बाद उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी तो वहीं स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के फैसले की कीमत उन्हें अपने सिख अंगरक्षकों के हाथों जान देकर चुकानी पड़ी थी। बांग्ला साहित्यकार देवेंद्रनाथ टैगोर का आज के दिन हुआ था निधन। दार्शनिक और बांग्ला साहित्यकार देवेंद्रनाथ टैगोर का 19 जनवरी 1905 को निधन हो गया था। 22 वर्ष की अवस्था में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य लोगों को ब्रह्म धर्म का पाठ पढ़ाना था। इस सभा में नैतिकता की एक परंपरा बनाई। 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हो गए थे। उस समय राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने पर ब्रह्म समाज शिथिल पड़ने लगा था। तब देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज में आने से उसमें नया जीवन आ गया था। महाराणा प्रताप का आज के दिन हुआ था निधन। उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ था। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और वर्षों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने मुगलों को कई बार हराया। 18 जून 1596 को हल्दीघाटी में हुए युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 19 जनवरी दिन बुधवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है बुद्धि विवेक। मेष, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति संभव है। आपकी सभी आवश्यक जरूरतें पूरी होने वाली हैं। कार्यों के सरलता से पूर्ण होने के योग हैं। अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी धानी तथा निषेध रंग हरा व काला। वृष, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 67%। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे। नौकरी पैसा वर्ग को प्रशंसा प्राप्त होगी। शुभ समय व्यतीत होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग लाल पीला। मिथुन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। प्रेम जीवन सुकून भरा रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में होने के योग हैं। शुभ रंग हरा काही धानी तथा निषेध रंग पीला बसंती। कर्क, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 39%। पदोन्नति अथवा अच्छी नौकरी के अवसर आ सकते हैं। समय आपके अनुकूल नहीं है। काम का बोझ अधिक है। जिम्मेदारी को सहजता से निभाएं। मानसिक परेशानियां उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा धानी तथा निषेध रंग सफेद नारंगी। सिंह, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 59%। नेतृत्व करने की प्रवृत्ति रह सकती है। किसी छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। नए नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। अपनी सूझबूझ के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हरा लाल तथा निषेध रंग काला नीला। कन्या, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। करियर में आपकी स्थिति सामान्य से कहीं बेहतर रहने वाली है। सफलता के योग हैं। निजी जीवन सुखी रहेगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हरा धानी काही तथा निषेध रंग पीला बसंती। तुला, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 76%।
आपके सभी काम ठीक से चलते रहेंगे। मन दुविधा में रहने के कारण निर्णय लेने की क्षमता कमजोर रहेगी। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतें, जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें, अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग पीला लाल। वृश्चिक, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 57%। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। रोजगार में वृद्धि होगी। विवाद से बचे। निवेश यात्रा व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे। प्रसन्नता रहेगी। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय उनके मान सम्मान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी धानी तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 51%। रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर के व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है। आपको अपने मन का करने का मौका मिलने वाला है। सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहने का प्रयास रहेगा। संतान के प्रति चिंतित हो सकते हैं। घरेलू समस्याओं से घिरे रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती धानी तथा निषेध रंग काला जामनी। मकर, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 74%। बौद्धिक और सृजनात्मक कार्यों में आप उत्तम प्रदर्शन करेंगे। जीवन साथी के संग समय व्यतीत करेंगे। व्यवसायियों को व्यापार विस्तार के अवसर आएंगे। शुभ फल प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला तथा निषेध रंग पीला लाल। कुंभ, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 75%। आप धार्मिक कार्यों पर काफी खर्चा कर चुके हैं और फिर किसी पूजा पाठ पर खर्च हो सकता है। विलासी जीवन का खर्च बढ़ेगा। जोश के साथ काम करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला बसंती। मीन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नए कपड़ों की खरीदारी करेंगे। व्यापार के लिए अच्छा समय चल रहा है। माता पिता से संबंधित चिंता रह सकती है। कार्य क्षेत्र में अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग धानी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 12:22 से 2:06 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।